समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा है। ऐसे लोगों को अगर जीत कर आगे बढ़ाया जाए तो ही समाज का भला हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। देखिए, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रशांत किशोर इन दिनों पद यात्रा कर रहे हैं। करीब 3500 किलोमीटर का ये पद यात्रा है। बिहार के उन तमाम जिले, उन तमाम वार्ड, तमाम प्रखंड में जाकर पद यात्रा करने वाले हैं। हालांकि पद यात्रा के शुरुआत में ही उन्होंने जमकर बिहार के तमाम राजनीतिक पार्टियों पर हमला किया। एक तरफ उन्होंने कह दिया 1990 में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य था और आज 32 साल बाद भी बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कह दिया इतने सालों में आपने जिन तमाम पार्टियों को वोट दिया है उन्होंने आपके साथ विश्वासघात किया है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो। अपने 8 मिनट के भाषण में उन्होंने बिहार की तमाम राजनीतिक पार्टियों को जमकर कोसा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर, पहले आप सुने। जो नेता है, दल है, आपसे वोट लेते हैं, आपसे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, हम आएंगे तो ठीक कर देंगे, हम आएंगे तो आपका पढ़ाई का व्यवस्था हो जाएगा, खाने का व्यवस्था हो जाएगा, कपड़ा मिल जाएगा, घर मिल जाएगा। पिछले 30-40 साल से आप हम ये सुन रहे हैं, कुछ बदला नहीं है, कुछ नहीं बदला है। 1990 में बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य था और आज 35-35 वर्ष के बाद ही देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार ही है। इस दौरान कितनी बार आपने वोट दिया, कभी भाजपा वालों को जिताया, कभी लालू जी को जिताए, कभी नीतीश जी को जिताए, जिताए ना, कुछ बदला? कुछ नहीं बदला, आगे भी नहीं बदलेगा। इसलिए आपसे वोट मांगने नहीं आए हैं, दल बनाकर वोट मांगने नहीं आए हैं, एक नया समाज के स्तर पर नया प्रयास करना चाहते हैं जिसमें समाज से आपके बीच से लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए ताकि अगली बार वोट आप अपने आप को दीजिए, उन आदमियों को दीजिए जिसको आपने चुन कर निकाला है, जो आपकी चिंता करे। अगर आप जिसको जीत कर आ जाए तो आपके बच्चों के लिए बेहतर खाना मिले, आपके बच्चों को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई, अपने बेटे को रोजगार के लिए बिहार छोड़कर जाना नहीं पड़े। यहाँ आप जब यहाँ रहते हैं, आप बताइए, कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ का जवान आदमी मजदूरी करने घर छोड़कर बाहर नहीं गया है। 10,000, 12,000, 15,000 रुपया के लिए पूरा पूरा साल लोग देश के सुदूर राज्यों में दूर जाकर परिवार छोड़कर उसको काम करना पड़ता है। अगर वो पैसे का व्यवस्था यही होता तो कोई अपना घर छोड़कर जाना नहीं चाहता। कैसे होगा, जो आदमी मंच पर खड़ा होता है वो बताता है कि हम ही वो आदमी हैं, हम पर भरोसा कीजिए, हम तो वोट दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक कर देंगे। मैं आपको आज बताने आया हूँ, इस अभियान को जब हम शुरू कर रहे हैं कि ये प्रशांत किशोर के पास ये बुद्धि और ताकत नहीं है कि हम सबकी जिंदगी बदल दे। अगर कोई आदमी, कोई दल ऐसा कहता है तो आपको सिरे से मूर्ख बना रहा है, जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं करने वाला है। कैसे होगा, समाज के प्रयास से होगा, आपके हमारे मिलकर प्रयास करने से ही स्थिति सुधरेगी। आपको ये समझना होगा कि बिहार की स्थिति तब सुधरेगी जब समाज में जो सही लोग हैं, जो समाज को समझते हैं, जिनमें काबिलियत है, पैसा हो ना हो लेकिन समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जज्बा है, ऐसे लोगों को अगर जीत कर आगे बढ़ाया जाए तो ही समाज का भला हो सकता है। इसी अभियान को लेकर यहाँ आए हैं, रैली करने नहीं आए,
यही आपके गांव से चलना शुरू करेंगे, पदयात्रा शुरू करेंगे और पूरे बिहार में सारे ब्लॉक, जितने प्रखंड हैं, जितने शहर हैं और जितने ज्यादातर पंचायत हैं, वहां पैदल चलकर खुद आपसे मिलने के लिए आएंगे। प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी, आप यहां पर आए हैं, आपके गांव में, आपके पंचायत में, आपके शहर में हजारों ऐसे लोग हैं जो यहां नहीं आ सकते हैं, उनसे मेरा परिचय नहीं है, वो हमारे पास आए या ना आए, अभी उनके पास चलकर जाएंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या आपकी समस्या क्या है, क्या करने से आपकी जिंदगी बेहतर हो सकती है और सबसे ऊपर आपकी नजर में आपके इलाके में कौन ऐसा आदमी है जिसका हाथ पकड़ के अगर आगे बढ़ाया जाए, उसको मुखिया बना दिया जाए, जिला पार्षद बना दिया जाए, विधायक एमपी मंत्री बना दिया जाए, उससे आपका और आपके समाज का कल्याण हो सकता है। 10 वर्ष तक 2011 से 2021 के बीच में कुल 11, 10 वर्ष में 11 चुनाव कराने का अवसर मिला है। एक यूपी का 17 का चुनाव छोड़ दीजिए, तो किसी भी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा। लोगों को ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर ने जिसका हाथ पकड़ा वो चुनाव जीत जाएगा, ऐसी बात नहीं है। चुनाव को आप अपनी ताकत से जीतते हैं। मेरा प्रयास कुम्हार जैसा है, घड़ा कैसे बनता है? घड़ा तो मिट्टी और चाक से बनता है, कुम्हार उस मिट्टी और चाक की मदद से घड़ा बना सकता है। तो ताकत आपके पास है, समाज में ऐसे लोग हैं, ऐसे लड़के हैं बिहार में, जो बिहार की किस्मत को बदल सकते हैं। जरूरत इस बात की है कि समाज से ढूंढकर, समाज को मत कर उनको निकाला जाए, उनको साथ लेकर चला जाए। 10 वर्ष तक बड़े बड़े नेताओं और पार्टियों का काम करते रहे हैं। लोग बताते हैं कि काम करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए मिलते हैं मुझे। अब तय किया है कि अब नेताओं और पार्टियों का काम नहीं करेंगे, समाज जिसको चुनकर निकालेगा उसको आगे बढ़ाने का काम करेगा। अपने गांव में, अपने पंचायत, अपने शहर में आपकी नजर में जो सही आदमी है उसको पहचानने में, उसके साथ संवाद स्थापित करने में मदद कीजिए। बताइए कि किस आदमी को चिन्हित करके उसके पीछे ताकत, शक्ति, पैसा लगाए तो आदमी कल जीत कर आएगा तो आपका काम करेगा, इसी से स्थिति बदलेगी। तो आपने सुना किस तरीके से पदयात्रा की शुरुआत में उन्होंने तमाम राजनीतिक पार्टियों पर जमकर हमला किया है, वहीं बता दिया कि 32 साल में आज भी बिहार वही है जहां पर 1990 में हुआ करता था। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।